हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे बिजली चोरी अर्थात कटिया या मीटर ना लगवाने की गलती पर क्या सजा है, उससे कैसे बचा जाए, किस तरह से उसमें फर्जी FIR दर्ज कराया जाता है और आपको किस तरह से पैसे का दोहन आपसे किया जाता है। कभी कभी ये घटना सही भी होती है और कभी कभी तो फर्जी भी होती है। भाई बहुत से लोग हैं बिजली चोरी करते भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्रामीण लोग जो एक दो बल्ब जलाते हैं उन्हें पकड़ना इतना आवश्यक है, या फिर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बिजली चोरी करते हैं या ये कह लीजिए कुछ लोगों को मिलाकर छोटे मोटे पैसे से वो बहुत बड़ा काम करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, सीमेंट वाले ईंट बनते हैं, इस तरह से बहुत से कारखाने चल रहे हैं जो कि बिजली चोरी में अहम रोल निभा रहे हैं। उनको ना पकड़ के सिर्फ छोटे मोटे गांव के लोगों को परेशान करने की नीयत से जो FIR वगैरह दर्ज की जाती है, विद्युत अधिनियम की धारा 135, 136, 138, 139 इस तरह की जो धाराएं हैं, अगर आपका भी मुकदमा इन्हीं धाराओं में दर्ज है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है और ज़रूरी होने वाला है। और क्योंकि कैसे आप विद्युत विभाग के मुकदमे से, विद्युत केस से कैसे बच सकते हैं, ऐसे 5 ग्राउंड बताऊंगा जिससे आपका केस तुरंत खत्म हो जाएगा। कोर्ट में ये सब 5 ग्राउंड रखने से आप न जुर्माना आपको देना पड़ेगा, न जेल जाना पड़ेगा और आपका केस भी हो जाएगा खत्म। तो अंत तक ये वीडियो में जरूर बने रहिएगा, कोई भी ग्राउंड आपको छूटना नहीं चाहिए आपसे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मीटर छेड़खानी वगैरह में अगर जो मुकदमा दर्ज होता है या मीटर न लगने की वजह से, तो 138 में दर्ज होता है। ज्यादातर मामले विद्युत अधिनियम की धारा 138 में ही दर्ज होते हैं। जो पहला ग्राउंड होता है आपका, सबसे बड़ी बात, अब बिजली अगर नहीं जमा किया है तो भी वहां पे 138 सब क्लास 1A में मुकदमा दर्ज होता है। तो पहला जो ग्राउंड आप समझिए कि क्या जिस व्यक्ति ने अगर कंप्लेंट केस फाइल किया है, परिवाद दाखिल किया है, तो उसने प्रमाण पत्र दिया या नहीं, कि वो मुकदमा दाखिल कर सकता भी है या नहीं। क्योंकि एक प्रमाण पत्र देना होता है विद्युत विभाग का, जो मुकदमा दर्ज होता है, परिवाद फाइल होता है कि भाई मैं इस पोस्ट पे हूँ, या जो भी अपना जानकारी देना होता है, क्या उसने ये लगाया है कोर्ट में कि नहीं, इससे भी केस आपका खारिज कराया जा सकता है। दूसरा ग्राउंड जो होता है कि आपके मुकदमे में जो FIR दर्ज हुई है, क्या कोई स्वतंत्र साक्षी था या नहीं था उस समय जब आप कि बिजली चोरी की बात पकड़ी गई, उस समय कोई स्वतंत्र साक्षी था या नहीं था। तीसरा ग्राउंड आप ये समझ लीजिए कि जब भी मुकदमा होता है, FIR होता है, जो स्वतंत्र साक्षी के अलावा जो गवाही वगैरह, जो भी स्वतंत्र साक्षी ही मान लेते हैं कि अगर लिखते हैं, तो पुलिस वाले होते हैं या विद्युत विभाग का कोई व्यक्ति होता है, ना कि कोई फ्री आप कास्ट उनको मिल जाए या कोई पैसा दे के, इस तरह की कोई बात नहीं रहती है। सिर्फ पुलिस विभाग दर्ज करता है और या फिर विद्युत विभाग के लोग, कहीं कहीं तो पुलिस विभाग के लोग भी फटाफट ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं, छापा मारने वाला विद्युत चोरी का पकड़ने का, क्योंकि उनको भी पैसा वैसा मिल जाता है। हालांकि सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो उससे भी केस खारिज हो जाएगा कि भाई या तो पुलिस वाले गवाही में होते हैं या तो विद्युत विभाग के कर्मचारी वगैरह होते हैं। तीसरी जो बहुत जरूरी बात है, अगर कटिया फसाया, बिजली चोरी किया, तो उस कंडीशन में बिजली विभाग ने जो सामान जब्त किया वो है या नहीं है, कोई सामान जब्त किया भी है या नहीं किया है, इसका ब्यौरा वो 100% नहीं दे पाएंगे। क्योंकि दुनिया भर के वो सामान रखे रहते हैं या नहीं रखे रहते हैं, वो बता नहीं पाएंगे कि ये आपका है या नहीं। अगर जब्त भी नहीं किया है तो वो कैसे बताएंगे। इस आधार पर भी केस खारिज हो जाता है। एक आपको बताएं, केस है बाबूपुरी वर्सेस MP विद्युत वितरण लिमिटेड कंपनी, 2009 का ये मुकदमा है। इससे भी आपका केस खारिज हो जाएगा कि जो कैंडिडेट से आपने बिजली का चोरी का सामान जब्त किया वो है या नहीं, कुछ जब्त किया भी बस ऐसे ही। जो सबसे मेन ग्राउंड में चौथा आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, बिजली विभाग द्वारा कभी भी पेश नहीं किया जाता है स्वामित्व प्रमाण पत्र, किसके नाम पर घर है,
कौन मालिक है उस घर का। कहने का ये मतलब है, ये भी दायित्व तो बनता है बिजली विभाग के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, कि आप जिस घर में विद्युत चोरी का मामला दर्ज कर रहे हैं, FIR रजिस्टर्ड हो रही है, उस घर का स्वामित्व प्रमाण पत्र बिल्कुल किसी के पास नहीं होता है। ये कह लीजिए कि कभी कभी स्थिति परिस्थिति ये आती है कि मुकदमा जो होता है किराएदार के नाम पे हो जाता है, घर का मालिक कोई और होता है, घर में रह रहा कोई और होता है, मुकदमा किसी और पे दर्ज हो जाता है। तो क्या ऐसी कंडीशन में ये दायित्व बनता है कि जिस पे अपराध दर्ज हुआ है, जिस पे भी मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ है, वो झेलता रहे, पीछे चक्कर लगाता रहे कोर्ट का? तो इन सब ग्राउंड्स के आधार पर आपका जो बिजली का जुर्माना है वो भी रद्द हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा, और आपको किसी भी प्रकार को प्रताड़नाएँ, यातनाएँ, कोर्ट का चक्कर लगाने की स्थिति परिस्थिति, सारी कंडीशन दशाएँ आपको समाप्त कर दी जाएंगी। और इसी के साथ आपका मुकदमा भी रद्द किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। अगर इन ग्राउंड के अलावा आपके पास ये साबित होता है कि भाई हाँ आपने विद्युत चोरी किया है, तो उसके लिए फिर अलग से वीडियो एक हम अपने YouTube चैनल पे डालेंगे। उसका भी एक साइड में आप समझ लीजिए कि अगर आपका टेबल बाई सेशन है, या ये कह लीजिए कि जो चल रहा होगा इसी एक्ट में मुकदमा आपका चल रहा है, तो उसका एक सबसे अच्छा कारण है केस ख़त्म करने का कि जब भी आपकी FIR रजिस्टर्ड हुई है जो विद्युत चोरी का, तो अगर आपने बिजली का बिल नहीं जमा किया है, 138 धारा 138 का मुकदमा चल रहा है, तो उसमें क्या करिए कि बिजली का बिल जमा करके वो रसीद कोर्ट में लगा दीजिए, सिर्फ एक डेट पे आपका मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब।